हेलो फ्रेंड्स, आज 8 जनवरी है। आप लोगों को पता ही है कि 10 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में सहारा पीड़ितों की भव्य रैली महा आंदोलन होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक दिल्ली पहुंचने का प्लान नहीं बनाए हैं तब आप अपना प्लान बदल दीजिए, क्योंकि यही एक मौका है जब आप इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। दोस्तों, आज 8 जनवरी हो चुका है, परसों 10 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य आंदोलन होने जा रहा है। अगर आप अभी नहीं गए तो फिर चूक जाइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में कोई भी सरकार आपकी बात को नहीं सुनेगी। तो यह आखिरी मौका है, अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है। अगर आपने अभी तक मन नहीं बनाया है कि आपको दिल्ली जाना चाहिए, तब मैं यह आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार वहां जाएं, आंदोलन को अपना समर्थन दें। आप लोगों की भीड़ और लाखों की भीड़ जब वहां पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं गूंगी बहरी सरकार के कानों तक यह आवाज़ पहुंचेगी। हो सकता है कि आप लोगों का जो महाजुटान होगा उससे सरकार हिल जाए और आपकी बातों को मानने के लिए, सुनने के लिए सरकार मजबूर हो जाए। दोस्तों, अभी भी 2 दिन का समय है। अगर आप बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के हैं, बंगाल के हैं, जो अभी पहुंच सकते हैं, और ऐसे में आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अभी भी अगर निकलते हैं तो परसों आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। और जो साथी इस आंदोलन के लिए दिल्ली जाने के लिए निकल चुके हैं उनका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। वो लोग वहाँ गर्मजोशी से इस आंदोलन में हिस्सा लें। ठंड बहुत है तो ठंड से भी बचे, क्योंकि तबीयत खराब होने की स्थिति में भी काफ़ी परेशानी होगी। साथ ही साथ मैं यह भी आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग दिल्ली जाने में सक्षम नहीं हैं तो 10 तारीख को अपने ज़िला में कलेक्टर के ऑफिस के बाहर अपना 100, 200, 500 जितनी भी संख्या होती है उतनी संख्या में जाकर आंदोलन करें और अपना विरोध प्रदर्शन करके अपनी मांगों का एक ज्ञापन बनाकर जिलाधिकारी कलेक्टर को सुपुर्द करें। दोस्तों, अभी आपको 2 दिन तक अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तब हो सकता है कि आपके आंदोलन को देखते हुए सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कोई निर्णय ले। आपको पता है कि 13 करोड़ जहां निवेशक हैं, अगर 13 करोड़ निवेशक एकजुट हो जाएं तो अपनी बात को वह किसी भी कीमत पर सरकार से मंगवा सकते हैं। लेकिन एकजुटता की कमी और सही दिशा निर्देश का अभाव के चलते आज 10 साल हो गए लेकिन इस आंदोलन को एक रूप नहीं दिया जा सका है। अभी भी आंदोलन बिखरा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में जब जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने 10 जनवरी को रामलीला मैदान पर आंदोलन आहूत किया है तो कम से कम आप वहां उपस्थित होकर एक अपनी एकजुटता को सरकार के सामने प्रदर्शित करें। दोस्तों, मेरी यह अपील है कि आप लोग ज़रूर शामिल हों। धन्यवाद दोस्तों।